तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक 320 लीटर का डीप फ्रिज है और इसका ये इस अंदर में जो इसका कूलिंग कोयल रहता है और इस अंदर में इसका कूलिंग कोयल हो गया है लीकेज, तो हम इसको पहले की तरह नहीं तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी एक्सटर्नल पाइप फिटिंग करेंगे इसके अंदर पूरा। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में हम किस तरह से इसको पाइप फिटिंग करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि ये हमारा 320 लीटर का फ्रीजर है, तो इसमें हम लगाएंगे 3x1/4 का यानी क्वार्टर पाइप, हम 80 फुट पाइप लगाएंगे। यह हमारा मुकम्मल 80 फुट है, यहाँ पर है 50 फुट और यहाँ पे है 30 फुट, यानी हम 80 फीट पाइप इसमें लगाएंगे क्वार्टर साइज पाइप का। तो इसका हमने एक होल यहाँ से कर दिया है और एक पाइप हम यहाँ से निकालेंगे बाहर की तरफ जहाँ हमारा कंप्रेसर है, यहाँ से हम निकालेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने होल कर दिया है, ये वाला होल आप देख सकते हैं, ये वाला होल हमने कर दिया है। तो यहाँ से हम पाइप को निकालेंगे और दूसरा जो एंड का पाइप है हम दूसरा होल यहाँ मार देंगे और यहाँ से एंड का पाइप को निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसी तरह बिल्कुल इसको पाइप बिछाते हुए जाना है। इसके ऊपर हम थोड़ा गैप करेंगे, इतना सा गैप रखेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर प्लेन शीट मार के प्लेन शीट का टुकड़ा इस तरह से लगाएंगे, लगा के स्क्रू मार देंगे नीचे से ऊपर तक। तो देखते रहिए, हम पूरा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आपको दिखाते रहेंगे। अभी जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा प्लेन शीट हो गया है पूरा कंप्लीट, सिर्फ इस साइड का बाकी है। इस साइड का हम गैस चार्ज करने के बाद ही इस साइड का प्लेन शीट लगाएंगे। और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्क्रू दिया है साइड में दिया है और बीच में हमने स्क्रू नहीं दिया है और नीचे दिया है, ये देख सकते हैं आप, और ऊपर की साइड दिया है। और बीच में स्क्रू इसलिए नहीं दिया है ताकि हमारा पाइप में ना लग जाए कहीं, अगर पाइप में लग जाए तो पाइप होल हो सकता है। तो यह हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारा जॉइंट है प्लेन शीट का, तो हमने साइड में से स्क्रू दिया है और ये ऊपर का साइड हमने पूरा स्क्रू दिया है, इसको हमने काट के इस तरह भी बिछा दिया है। और नीचे देख सकते हैं नीचे की साइड हमने स्क्रू लगाया है, और इस साइड देख सकते हैं पूरा और नीचे का साइड, और इस साइड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे पूरा साइड में हमारा स्क्रू दिया हुआ है। हमने बीच में स्क्रू बिल्कुल नहीं दिया हुआ है क्योंकि बीच में हम स्क्रू देंगे तो हमारा पाइप में लग के पाइप होल हो सकता है। तो अभी हम इसका करेंगे
गैस चार्जिंग प्रक्रिया चालू। तो जैसा कि ये हमारा जो पाइप है, इसमें हमारा इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है। यहाँ से आके हमारा ये इसमें लगेगा और ये हमारा सेक्शन लाइन है जहाँ से केपलर या इसमें अटैच होगा और ये हमारे कंप्रेसर के अंदर डायरेक्ट यहाँ से आएगा। तो आगे का प्रोसेस गैस चार्जिंग प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा ब्रेजिंग हो चुका है कंप्लीट, अभी भी बाकी है। ये हमारा सेक्शन लाइन बाकी है। तो हमने इसके साथ ड्रायर को जोड़ दिया है और ये कपलरी हमने लगाया है 0.31 का कपलरी 13 फीट लगाया है और ये हमारा जा रहा है सेक्शन लाइन और ये हमारा आ गया है डिस्चार्ज लाइन। अभी इसको हम फ्लशिंग करेंगे ताकि पाइप में अगर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह हो तो निकल जाए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा कनेक्शन। हमने ड्राइव भी फिट कर दिया है और कैपिलरी भी और इसका डिस्चार्ज लाइन भी फिट कर दिया है। और अभी हम इसको करेंगे वैक्यूम, कम से कम आधा घंटा हम वैक्यूम के लिए छोड़ देंगे इसको। तो जैसे कि अभी इसको हमने लगा दिया है वैक्यूम पर, ये हमने लगा दिया इसका कनेक्शन। तो ये मीटर देख सकते हैं, गेज मीटर, ये सुई धीरे धीरे आ रहा है नीचे 30 तक, लेकिन इसको हम आधा घंटा वैक्यूम करेंगे क्योंकि ये बड़ा मशीन है, 320 लीटर का है। और ये हमने वैक्यूम पर लगाया है एक कंप्रेसर के द्वारा। अभी ये कंप्रेसर चालू है, अब सुन सकते हैं इसका आवाज़। तो अभी हमारा वैक्यूम हो रहा है, तो इसको हम आधे घंटे तक वैक्यूम करेंगे। जब तक ये हमारा सुई -30 तक नहीं आ जाता तब तक इसको हम करेंगे वैक्यूम। तो हम छोड़ देते हैं फिलहाल आधा घंटे के लिए। तो अभी हम आए हैं आधे घंटे बाद, तो देख सकते हैं ये हमारा वैक्यूम हो चुका है पूरा कंप्लीट, -30 पर ये चला गया है। तो अभी हम कर देंगे इसको बंद और धीरे धीरे हम करेंगे हमारा चार्जिंग प्रक्रिया शुरू। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हमने इस बल्ब को कर दिया है पूरी तरह से बंद और इसको कर देते हैं, यहाँ से खोल देते हैं। तो हमने इसको यहाँ से खोल दिया है और अभी हम अपने वैक्यूम पंप को कर देते हैं बंद। हमारा हो चुका है वैक्यूम पंप बंद। तो गैस चार्जिंग करने से पहले हम इसमें डालेंगे इंटीमॉइस्चर। हम इसमें 2 इंटीमॉइस्चर डालेंगे। तो इंटीमॉइस्चर इसीलिए डाला जाता है कि अंदर मॉइस्चर ना आए, मॉइस्चर यानी अंदर जंग ना आए हमारे पाइप के अंदर। तो हम डाल देते हैं इसके अंदर इंटीमॉइस्चर। तो हम इंटीमॉइस्चर को अभी डाल रहे हैं, तो हम इसमें से डाल देंगे इस चार्जिंग लाइन के अंदर से। तो देख सकते हैं हम इसी तरह इसमें इंटीमॉइस्चर डालेंगे। तो हमने इसमें इंटीमॉइस्चर डाल दिया है। अब अंदर से हम बल्ब को कर देंगे थोड़ा ढीला, तो ताकि ये हमारे इंटीमॉइस्चर अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये बल्ब को हम कर देंगे ढीला, तो हमारा ये इंटीमॉइस्चर धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। ये हमारा इंटीमॉइस्चर धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हम इंटीमेशन इस तरह से डाल रहे हैं पाइप को। हमने बल्ब को कर दिया पूरा ढीला और ये इंटीमेशन हम धीरे धीरे डालेंगे और धीरे धीरे ये अंदर आपके इंटीमेशन को लेता हुआ जा रहा है। पाइप को हमने हल्का सा ढीला कर दिया है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारा हवा घुस जाएगा इसके अंदर। तो हम इस तरह से धीरे धीरे करके 2 इंटीमेशन डालेंगे। हम और थोड़ा ढीला कर देते हैं ताकि हमारा जल्दी से चला जाए इंटीमेशन। तो हमने ऑलरेडी 2 इंटीमीटर को काट के रख दिया है। तो आप देख सकते हैं ये इंटीमीटर अंदर जाता हुआ, हमने नीचे से बाल को पूरा ढीला कर दिया है। हम इस तरह 2 इंटीमीटर डालेंगे।
तो ये हमारा हमने एंटी मॉइस्चर अभी डाल दो एंटी मॉइस्चर डाल दिया है। तो अभी हम चार्जिंग बल्ब को लगा रहे हैं और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है फ्लोरन का R134A। अब इसका हम लगाएंगे इस चार्जिंग बल्ब में। तो अभी हम इसका कनेक्ट कर दिया है हमारा गैस के कैन के साथ। तो अभी इसको हम धीरे से यहाँ से खोलेंगे। पहले अभी हमने चाबी को चालू नहीं किया है। इसके अंदर जो हवा भरा है वो हवा को हम यहाँ से निकाल देते हैं। हम यहाँ से वहाँ से कर दिया है गैस चालू। सब देख सकते हैं यहाँ से हमारा हवा निकल रहा है। तो हमने हवा को निकाल दिया है। ये हमारा हवा निकल चुका है। अब इसका हम पहले तोड़ेंगे वैक्यूम, उसके बाद ही हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। किसी भी कंप्रेसर में आप वैक्यूम के समय यानी जब वैक्यूम के वक्त गैस नहीं चार्ज नहीं करना है। पहले अब इसका वैक्यूम तोड़ना है, उसके बाद ही कंप्रेसर को चालू करना है। तो हम पहले इसका वैक्यूम तोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें गैस चालू करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारा गैस धीरे धीरे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम अभी इसमें 20 प्रेशर जितना जा सके मैं उतना दे रहे हैं। तो अभी हमने दे दिया है लगभग 40 PSI। तो अब इसका हम कंप्रेसर को करेंगे ऑन। अब देख सकते हैं हम 40 PSI दे चुके हैं। अभी इसको हम कंप्रेसर को करेंगे ऑन। तो हमने कंप्रेसर को कर दिया है अभी ऑन। तो इस तरह देखेंगे 2-4 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे हम गैस चार्ज करेंगे। तो हम फिर से दे रहे हैं इसमें गैस। तो देख सकते हैं हम कैन को उल्टा करके दे रहे हैं। अब हमेशा गैस चार्जिंग करते समय कैन को उल्टा करके ही दीजिएगा, क्योंकि गैस हमारा लिक्विड फॉर्म में जाना चाहिए अंदर। अभी हम और 5 मिनट देखेंगे, उसके बाद ही गैस डालेंगे। इस तरह आपको धीरे धीरे करके गैस डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इस लाइन के अंदर आइस आ चुका है, मतलब ये हमारा कूलिंग करना चालू हो गया है। जब इसके अंदर गैस फुल फिलअप हो जाएगा तो ये यहाँ से आइस होना छोड़ देगा। तो अभी देख सकते हैं गैस कम गया है, इसलिए आइस हो रहा है। तो हम धीरे धीरे इस तरह से गैस चार्ज करेंगे। अभी हम दोबारा देते हैं इसके अंदर। तो हम दे रहे हैं दोबारा से, इस तरह हमें लिक्विड फॉर्म में गैस को देंगे। देख सकते हैं इसके हमने दिया है गैस। अभी हम थोड़ी देर रुकेंगे और 5 मिनट, उसके बाद ही गैस चार्ज करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके गैस चार्ज करेंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम देंगे। इससे इसमें कम से कम हम 8 से 10 PSI तक, जब तक हमारा ये 8 से 10 PSI नहीं हो जाता तब तक इसमें हम इस तरह धीरे धीरे गैस चार्ज करेंगे। आप देख सकते हैं अभी 2-3 PSI हुआ है। कम से कम हम 8 से 10 PSI जब तक ना हो तब तक हम इसमें गैस चार्ज करेंगे इस तरह धीरे धीरे। तो ये देख सकते हैं हमारा चार्जिंग हो चुका है कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 10 PSI हो चुका है। तो अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस आ चुका है हमारा, जो किपलरी से होकर जो मेन लाइन जा रहा है, तो यहाँ से आइस आ रहा है। तो हम जाते हैं अंदर की तरफ और अंदर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जगह खुला छोड़ दिया है। यहाँ पे अभी हम पेन शीट मार देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा 5 लाइन के अंदर पूरा आइस आ चुका है और नीचे 2 लाइन बाकी है। ये कम से कम अभी 15-20 मिनट हुआ है, तो 1 घंटा आधा घंटा चलने के बाद ये पूरा लाइन आइस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी हमने प्लेन शीट मार दिया है और यहाँ पे भी पूरा कूलिंग आ रहा है। तो आप इस साइड भी देख सकते हैं यहाँ पे आइस आ चुका है। तो आप यहाँ पे पाइप में देख सकते हैं पूरा आइस आ चुका है। तो हमारा वीडियो यही तक था। तो इसको हमने फिर से हम बता देते हैं, ये 320 लीटर का डीप फ्रिज है। तो इसमें हमने 1/4 यानी क्वार्टर साइज़ का पाइप 80 फीट लगाया है और केपलरी लगाया है आपका 0.31 13 फीट केपलरी लगाया है। तो इस वीडियो के बारे में अधिक जानने के लिए आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो वीडियो हमारा यही तक था और जाते जाते एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।